जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। और आज इंडिपेंडेंस डे है और आज के दिन बस आप लोग अपने आप से वादा करो कि हमेशा एक देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, पर करना है। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के लिए जो लोग थे पहले के, उन्होंने बहुत कुछ किया है, तब जाके आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। चाहे उस समय जो 1901 और 1930, 35, 40 इस टाइम क्या हुआ करता था, जितने भी क्रांतिकारी सेनानी थे, चाहे वो भगत सिंह हो गया के राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, तो ये चाहे और आप सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन सब लोगों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और तभी हम लोगों को आज़ादी मिली है। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली, सिर्फ तिरंगा फहराने से और सिर्फ 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन सिर्फ तिरंगा लेके रोड में घूमने से, स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ करना है। तो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और सिखाएं कि 15 अगस्त के दिन सिर्फ पतंग उड़ाना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा कर्तव्य है अपने देश का सम्मान करना, तिरंगे का सम्मान करना और जितने भी पुलिस वाले हैं उनका सम्मान करना और आर्मी का सम्मान करना, यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। तो इसी के साथ जो सबसे मेन चीज़ जो मेरे लिए इस समय, मैंने 5 पॉइंट इस इंडिपेंडेंस डे पे सेलेक्ट किए कि हमारे देश के अंदर आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में, हम लोगों में कुछ ना कुछ कमी है जिससे हमें फ्रीडम चाहिए। तो पहला पॉइंट है गरीबी से हमारे देश को आज़ादी चाहिए। हमारी आज़ादी तभी मिलेगी जब हमारी देश की सरकार लोअर लेवल पर कुछ ना कुछ करेगी, अच्छी स्कीम्स लाएगी ताकि गरीबी जाए। दूसरा करप्शन एक ऐसी चीज़ है, ये तो एक कीड़ा है हमारे सिस्टम के लिए। चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, चाहे SSC का एक एग्ज़ाम का स्कैम हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई तो किया था बट वो एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, तब भी वो सिलेक्ट हो गए, कैसे, करप्शन। तीसरा नशा, एडिक्शन, चाहे पंजाब ले लो, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, बंगाल ले लो, इसके अंदर इतना ज़्यादा नशा है कि हम जैसे 20-25-30 साल के लड़के आज नशे में डूब रहे हैं और कसाब आ रहे हैं और नशे में हम सब डूब रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं नशे से भी आज़ादी चाहिए। चौथा, जो हमारे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जानवरों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, ऐसे लोगों से हमें आज़ादी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं रेप हो रहे हैं, आज भी रेप हो रहे हैं, निर्भय के बाद आज भी रेप हो रहे हैं, हमें इनसे आज़ादी चाहिए। हमें ऐसा कानून चाहिए कि इन लोगों को सबक मिले कि रेप करने से पहले भी ये लोग, इनकी 10 जो पीढ़ी भी आए वो भी सोचे कि हमें रेप करेंगे ना तो साले हम ऐसे मारे जाएंगे पुलिस द्वारा, कानून द्वारा और जितने भी न्यायालय द्वारा है। तो कहीं ना कहीं हमें इससे भी आज़ादी चाहिए। पांचवा जो पांचवा पॉइंट है वो है कि हमें चाहिए धर्म से आज़ादी, धर्म की राजनीति से आज़ादी। क्योंकि जो लोग पॉलिटिशियन, चाहे कोई भी लोग हों, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, उससे होता क्या, दंगे होते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ऐसे दंगे होते हैं, कितने सारे दंगे हो गए। 1984 का दंगा ले लो, अभी राम मंदिर का जब फैसला आया था, जब उसके बाद 92 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसके बाद कितने बड़े दंगे हुए मुंबई में। उस समय मैं पैदा हुआ था, 92 में मैं पैदा हुआ था, पर आज जब मैं सुनता हूँ कि ये सब, यार ये बहुत बड़ी, बहुत गलत चीज़ है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, हमें इन सब से आज़ादी चाहिए। तो मेरे यही 5 पॉइंट है कि पहला गरीबी, दूसरा करप्शन, तीसरा नशा, चौथा जो अत्याचार होते हैं महिलाओं पे, जानवरों पे, रेप वगैरह, इन सब से, इन ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है और इनसे मुझे आज़ादी चाहिए। पांचवा है कि धर्म के नाम पे जो पॉलिटिशियन, जो लोग, जितने भी, मतलब इन लोगों को तो मैं लोग नहीं मानता, ये सिर्फ एक व्यापार का जरिया मानते हैं, हम जैसे लोगों को, हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों से मुझे आज़ादी चाहिए। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो में क्या और आप देखना चाहते थे, और कुछ ऐसे टॉपिक मुझे दीजिए जिसमें मैं अपनी राय रख सकूँ और अपनी जितनी भी मेरी अपनी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सकूँ टूवर्ड्स माई कंट्री। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।